Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be covering part number 10 important question for class 10th. अभी तक हम लोगों ने part 9 तक discuss कर लिया है जिसमें 53 questions हम लोगों ने cover करे हैं. आगे अब 54 onwards देखेंगे. If the midpoint of the line segment joining the point P के point दे रखे हैं, Q के point दे रखे हैं और इनका जो midpoint है ना इस लाइन का, ये जो मिड पॉइंट है ना वो दे रखा है 2, -3 और पहला पॉइंट है पी, पी के है 6, -2 और क्यू के हैं -2, -4. अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग वन बाय वन. ओके चलो क्वेश्चन नंबर इसके अंदर बोल रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 54 था आई गेस. अब पी और क्यू, अब आप लोगों को मिड पॉइंट फार्मूला तो याद ही है. मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन में 2, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन में 2. ये दो पॉइंट है. एक्स वन की वैल्यू कितनी है, ये मिड पॉइंट रख लूँ यहाँ पे इक्वल 2, -3. एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन की वैल्यू 6, एक्स टू की वैल्यू -2 अपॉन में 2, वाई वन की वैल्यू k -2 + 4 अपॉन में 2. अब इस वैल्यू को रखोगे इसके इक्वल और इस वैल्यू को इसके इक्वल. अब देखो कैसे, 2 किसके इक्वल रहेगा, 6 + -2 तो 6 - 2 अपॉन में 2. फिर सॉल्व करोगे तो 2 इज इक्वल्स टू ये हो गया 4/2, मतलब कैंसिल आउट होके 2, तो ये और ये 2 सेटिस्फाई कर गया. अब इसको नेक्स्ट करते हैं, -3 किसके इक्वल हो जाएगा, k -2 और +4, तो 4 में से -2 जाएगा तो बचेगा k + 2 अपॉन में 2. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो k + 2 इक्वल्स टू किसके इक्वल, -6 इक्वल, तो k की वैल्यू -6 - 2 तो k की वैल्यू आ गई -8. यही था ओवरऑल क्वेश्चन, इसमें k की वैल्यू पूछी थी, इसके की तो इसके की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8. चलो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 54 ही था, देखो क्वेश्चन नंबर 54 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया. क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ते हैं. इंडियन आर्मी ने 900 गन्स खरीदी फ्रॉम अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री से. फर्स्ट लॉट के अंदर 100 गन्स गई और ये देखा गया कि उन 100 गन्स में से 15 गन्स डिफेक्टिव थी. बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी डिफेक्टिव गन की. 100 का लॉट गया तो टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 100 और उसमें से डिफेक्टिव कितने थे, डिफेक्टिव थी 15. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी जितनी डिफेक्टिव हैं अपॉन में टोटल. डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी पूछिए ना, तो ये हो जाएगा 15/100. अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन. इफ द डिफेक्ट गोज अननोटिस्ड, मतलब अगर डिफेक्ट को हम लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया अननोटिस्ड आर्मी के द्वारा, तो बताओ कितनी डिफेक्टिव गन जाएंगी आर एक्सपेक्टेड इन ऑल 9 lot of 100 गन्स. देखो 9 लॉट है, 100 गन्स जा रही है एक लॉट में, तो टोटल गन्स कितनी हो गई 900. ये स्टार्टिंग में भी लिखा है, देखो इधर लिखा हुआ है ये टोटल कितनी है 900 गन्स है. ज़्यादा खिचड़ी पक गई, ये हो गई 900 गन्स. तो 900 टोटल है, इन टू में कितने डिफेक्टिव के चांसेस है, 15/100. तो इस जीरो से ये जीरो कट गया, 15 9 हो गया 135. तो 135 गलत चली जाएंगी अगर 900 के लॉट पे, हर एक लॉट पे 15/100 अगर गलत जा रही हैं, तो 900 के हिसाब से 135 गन्स जो हैं वो डिफेक्टिव चली जाएंगी. इसमें कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे समझा रही हूँ, इसलिए कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत ना हो पेपर में. 56 क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. ये सर्कल
सर्कल के सेंटर से 26 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे रेडियस की वैल्यू देखो पूछी है, ये लिखा, ये रेडियस की वैल्यू पूछी है। और जो दे रखा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर से, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का बनता है एंगल। तो आपको पता है बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के ट्रायंगल पे अप्लाई होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता है एच का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे ये नेक्स्ट पेज ले लूँ एक, उस पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 26 का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड थी, और किसके इक्वल होगी ये 10 के स्क्वायर के प्लस जो रेडियस का स्क्वायर था उसके। तो 26 का स्क्वायर होता है 676, ये हो गया 100 प्लस का आर स्क्वायर। तो 676 माइनस का 100 किसके बराबर हो जाएगा? आर स्क्वायर के। तो ये 576 किसके बराबर हो जाएगा? आर स्क्वायर के। और R की वैल्यू हो जाएगी आपकी 24 सेंटीमीटर होगी। तो ये आपसे पूछा था कैलकुलेट करने के लिए, और हमने कैलकुलेट कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। 57 की मैं इक्वेशन उतार लेती हूँ, रूट 3x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। ये है हमारा क्वेश्चन। अब आ जाते हैं ब्लैंक पेज पे। इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व वन बाय वन, एक एक स्टेप देखते जाना। ए की वैल्यू है मेरी यहाँ से रूट 3, बी की वैल्यू है मेरी माइनस का 2√2, और सी की वैल्यू है माइनस 2√3। देखो रूट को देख के डरना नहीं है, रूट को देख के तुम लोग डर जाते हो और क्वेश्चन कहते हो, ये क्वेश्चन ना बाद में करेंगे, ये वाला काम नहीं करना, डरना नहीं बिल्कुल रूट को देख के। चलो अब इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन से नहीं होगा, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है माइनस का 2√2 का स्क्वायर माइनस, ये माइनस नहीं है, देखो ऐसा है, माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है? रूट 3। और सी की वैल्यू कितनी है? माइनस 2√3। अब इसको सॉल्व करना बता रही हूँ, फिर मिटा दूंगी। इसको सॉल्व करना, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू इस रूट 2 को, रूट 2 इंटू रूट 2। अब इस माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 4 इंटू रूट 2 रूट 2, क्योंकि पावर आधी होती है, ये भी पावर आधी, ये भी पावर आधी, तो 2, रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 2 हो गया 8, यहाँ पे लिख देती हूँ 8, माइनस 4 2 माइनस नहीं प्लस, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, 4 2 हो गया 8 इंटू में 3। इसको कर दूंगी मैं इरेज, क्योंकि ये मैंने फालतू की आपके कैलकुलेशन इसलिए कराई थी, जस्ट आप समझ जाओ। ओके, तो ये हो गया आपका 8 प्लस 24, और 8 हो गया आपका 32। अब आप ऐसा मत करना, इन दोनों को प्लस कर दो फिर इसको मल्टीप्लाई करो। बॉड मास का रूल पता है ना, बॉड मास क्या कहता है? नहीं पता तो एक बार सुन लो, ये ब्रैकेट होती है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो इसके हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, देन वो होगा। चलो जी, इसको भी रेस कर देते हैं। ओके, आगे फर्दर मूव करते हैं। 32 को आप क्या लिख सकते हो? 32 2 16 2 8 2 4 2 2 एंड देन 2 2। तो ये सॉल्व होके कितनी आ जाएगी? ये आ गया 4√2। क्यों? क्योंकि 2 2 मतलब एक पेयर बाहर, ये 2 2 एक पेयर बाहर, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 हो गया 4, और ये अकेला इकलौता 2 बचा, तो ये हो गया √2।
तो मेरी ये वैल्यू आ गई 4√2, डी की वैल्यू आ गई मेरी 4√2। चलो अब इक्वेशन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a ये होता है। तो इसकी वैल्यू माइनस का बी, अब ये वैल्यूज क्या थी एक बार मुझे क्वेश्चन पे दोबारा जाना पड़ेगा इक्वेशन लिखने के लिए। इक्वेशन विल बी लाइक √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। अब आ जाते हैं बैक टू द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे माइनस बी, ये माइनस और ये माइनस, क्या हो गया प्लस 2√2 प्लस माइनस, ये कितनी वैल्यू हो गई रूट डी की अभी निकाली थी 4√2 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी √3। अब एक बार इसको पॉजिटिव लेना है, एक बार इसको नेगेटिव लेना है। तो पहले लेते हैं पॉजिटिव, टेकिंग पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव लोगे तो क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 4√2 अपॉन में 2√3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 4 6√2। अब देखो अगर ये √2 ना होते ना, कोई और वैल्यू होती ना रूट की जगह पे, √3 होती यहाँ, √2 होती, तो ये आपस में प्लस नहीं होते, क्योंकि √2 सेम है इसलिए प्लस हो गए अपॉन में 2√3। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती जा रही हूँ इसलिए कि आप लोग गलती ना करो। ये हो गया 3√2 अपॉन में √3, और इस √3 को आप क्या कर दोगे रैशनलाइज, यहाँ पे नहीं छोड़ना है कभी भी। तो 3√6 हो गया और नीचे हो गया 3, कैंसिल आउट होके ये हो गई √3 आपकी वैल्यू। फर्स्ट रूट की क्या वैल्यू आ गई √6। अब करेंगे सेकेंड रूट को सॉल्व, तो इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज के लिए नेक्स्ट के लिए 3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। अब इसको हमारी वैल्यू क्या आई थी डी की 4√2, और कहाँ तक पहुँच गए थे हम माइनस माइनस प्लस 2√2। और अब माइनस करेंगे, पहले प्लस कर चुके पहले वाले स्टेप में, अब माइनस करेंगे माइनस 4√2 अपॉन में 2a √3 इक्वल्स टू 2√2 और 4√2, तो माइनस का 2√2 अपॉन में ये हो गया 2√3। इस 2 से 2 कैंसिल आउट, तो अब नीचे बचा √3, तो इसको ही रैशनलाइज करेंगे इंटू √3 अपॉन में √3, तो माइनस 6, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो सकता है ना √2 √3, √6 अपॉन में √3 √3 कितना हो जाएगा 3। तो ये आपका आंसर, एक रूट आई थी आपकी √1 आपकी आई थी √6, और √2 आई थी माइनस का √6 अपॉन में 3, ये दो रूट आ गई आपकी। ओके तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी बात पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 57 के बाद, इसमें रूट्स पूछी थी, 57 के बाद 58। क्वेश्चन नंबर 58 सेज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। क्या फाइंड करना है एस, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म जिसकी nth टर्म, an दे रखी है आपको 5n-1 और s20 आपसे पूछा है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, एक इसको तो ऐसे ही सॉल्व कर लोगे आप। an जब आपको 5n-1 है तो a1 क्या होगा, n की जगह पे 1 रख दो, 5 1 5 -1 4, 2 रख दो 5 2 -1, 5 2 10 -1 9, a3 रख दो 5 3 -1, 5 3 15 -1 14, ap बन गई 4, 9, 14। चलो पेन चेंज, ये बन गई मेरी ap। ए की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ से 4 और डी की वैल्यू आ गई यहाँ से मेरी 5, 9 में से 4 गया 5, और एन की वैल्यू आ गई 20। अब मैं क्या करूँगी इसको यहाँ सॉल्व करूँगी। एस 20 मतलब 20/2 ब्रैकेट में 2a, ए की वैल्यू क्या है मेरी 4 प्लस n-1 20-1
और d की वैल्यू कितनी है मेरी 5, तो ये सॉल्व होके हो गया 10, 10 टू 4 ज़ा 8 प्लस 20 में से बन गया 19 इंटू 5। इसको सॉल्व करोगे तो 10 8 प्लस 19 5 ज़ा होता है 95, और 10 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 103। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा दैट इज़ 1030 आंसर। ओके नेक्स्ट, इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद वाला आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 सेज नंबर एक्स माइनस टू, फोर एक्स माइनस वन एंड 5x+2 एपी के अंदर है। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। इट मींस पहली टर्म हो गई आपकी ये, फिर दूसरी हो गई ये एंड तीसरी हो गई ये। तो आपको क्या करना है, ये है a1, ये है a2, ये है a3। d की वैल्यू पहले आप इसमें से इसको माइनस करके a2 माइनस a1 एक तरफ ले लो और एक तरफ a3 माइनस a2, और जो भी वैल्यू यहाँ से आए और जो भी वैल्यू यहाँ से आए उन दोनों को इक्वल रख देना। ये वैल्यू आपकी ये d1 वाली और d2 वाली दोनों आप इक्वल रख दोगे तो आपकी x की वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस पार्ट के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा और प्रैक्टिस करो खूब सारी मैथ्स की, ताकि आप लोगों की रिवीजन होती रहे, एग्ज़ाम में अच्छा अच्छा स्कोर करो, और प्रैक्टिस से ही सब कुछ हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहोगे मैथ्स की रेगुलर बेसिस पे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।